ठीक है, चलो शुरू करें। चाहे जो भी मिशन हो, मैं तैयार हूँ। पर काकाशी सेंसेई कहाँ रह गए? कमाल के टीचर है, जो कभी टाइम पर आते ही नहीं। काकाशी आज नहीं आने वाले। ग्रैंडमा सुनाडे, कैसी हैं आप? अब तो ग्रैंडमा बुलाना बंद करो। लेडी होकागे, पर आज काकाशी सेंसेई क्यों नहीं आएंगे? हमारे सैनिकों की तादाद काफी कम हो चली है। सभी जॉनिन किसी न किसी मिशन में उलझे रहते हैं, जिनमें से एक काकाशी भी है। ये मिशन तुम तीनों को अकेले ही संभालना होगा। ये एक बी रैंक एस्कॉर्ट मिशन है और बहुत ही जरूरी। जरूरी? क्या सच में? बेशक, मुसीबत पड़ने पर इसे हम ए रैंक मिशन में भी तब्दील कर सकते हैं। तो किसे ले जाना है हमें? वो मैं नहीं जानती। एक सेकंड, क्या मतलब आप नहीं जानती? हर चार साल में हमारे पड़ोसी द लैंड ऑफ टी एक डेडिकेशन सेरेमनी रखते हैं ग्रेट टोडोरो की श्राइन पर, और हर बार हमें उस सेरेमनी में होने वाली रेस में भाग लेने वाले एक रनर के साथ जाना होता है। इस साल जो लोग इस बारे में इन्फॉर्मेशन लेकर आ रहे थे, उन पर रास्ते में हमला हो गया। किसने हमला किया? माफ करना लेडी होकागे, पर मैं अभी खास कुछ समझी नहीं। इस वक्त वो सब मत सोचो, जब तुम उनके बॉस जिरोचो से मिलोगे तो वो तुम्हें सब कुछ समझा देंगे। जब हम बॉस जिरोचो से मिलेंगे? वो गैम्बलर जिससे हम मिले थे। मुझे जितना पता था मैंने बता दिया। अब वक्त बर्बाद मत करो, दिन खत्म होने तक तुम्हें लैंड ऑफ टी पहुंचना होगा, तो चलो जल्दी निकलो। ठीक है, बेफिक्र रहिए, हम सब संभाल लेंगे। उम्मीद तो यही है। मिशन हेल्प एन ओल्ड फ्रेंड इन द लैंड ऑफ टी। क्या लेना चाहोगे? मैं लूंगा स्वीट बीन सूप। मुझे डम्पलिंग्स चाहिए, तुम क्या लोगे सास्की? ओनली राइस। ठीक है, मैं बस अभी लेकर आती हूँ। लीफ विलेज के निंजा, किसी की धुलाई करने मिल जाए तो मजा आ जाए। तुम कोई मुसीबत नहीं खड़ी करोगे नारुतो, इस बार नहीं। हाँ ठीक है, आराम से बैठे रहो, मजे से खाओ पियो। एक निंजा की जिंदगी बड़ी आसान होती है। क्या कहा तुमने? शायद लीफ विलेज में ज्यादा कुछ करने के लिए मिलता नहीं, इसलिए तो तुम सब इतने आउट ऑफ शेप। अभी जरा शेप बिगाड़ता हूँ। अरे तुम भी यहाँ बैठी हो, तुम्हें तो मैंने देखा ही नहीं। मैंने तुम्हें आउट ऑफ शेप नहीं कहा। शुक्रिया। क्या आवाज है, मेरा नाम इटाटे मोरिनो है। तो ब्यूटीफुल, तुम्हारा नाम क्या है? इसकी नाम तुम तोड़ोगी सकुरा, या फिर मैं ही तोड़ दूँ? सकुरा? हाँ, बहुत ही प्यारा नाम। चलो फिर, अब जो हमें किस्मत साथ ले ही आई, क्यों ना हम मिलकर अपने फ्यूचर की बात करें। पता नहीं मैं क्या कहूँ, कैसा फ्यूचर? वो ही फ्यूचर जिसमें तुम ये बेहुदा सी निंजा गिरी छोड़कर मेरे साथ किसी रोमांटिक जगह चले। उसे फ्लर्ट करना बंद कर, वरना मैं तुझे फ्लैट कर दूंगा। अबे ठंड रख, मैं बस मजाक कर रहा था। पर मैंने शुरू में जो कहा वो मजाक नहीं था। अगर मैं किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकता तो वो है निंजास। जहाँ से आयो वही लौट जाओ, इससे पहले कि मुश्किल आ जाए। ये पहली और आखिरी वार्निंग है। अच्छा तो देर किस बात की, अभी फैसला कर लेते ना भाई। शांत हो जाओ नारुतो। ये सही कह रही है, उस पर ध्यान मत दो, हमारे पास और भी काम है। क्या कह रहे हो सास्के? इसने इतना कुछ कहा हमें और तुम्हें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता क्या? चाहो तो तुम इस पर ध्यान मत दो, लेकिन मैं तो अभी। वो चला गया? लेकिन कैसे? मैंने तो उसे ज्यादा नहीं देखा। ये तो गलत बात है, वो कुछ भी भूलकर ऐसे जुड़े जा सकता है। करना थोड़ी देर लगी। ये रहा आपका बिल। ये क्या? दो बिल किस लिए? तुम्हारा और तुम्हारे दोस्त का। उसने कहा उसके पैसे तुम दोगे। मुझे मौका मिलते उसकी चटनी बना देनी चाहिए थी। उसके कदमों की आहट तक नहीं हुई। वो लड़का कुछ ज्यादा ही तेज है। बहुत हुआ, हमें यूं बेवकूफ बनाकर उसने हद पार कर दी है। मैं उसे सबक सिखा कर आऊंगा। खाने के लिए शुक्रिया, हमें जाना।